हेलो स्टूडेंट्स, नाउ मैथ्स। मैथ्स में बेटा हमने एक्सरसाइज 7.4 कल स्टार्ट की थी, जिसमें से हमने जो फर्स्ट सम था अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना था। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो बेटा आप यहां से देखकर अपनी बुक और नोटबुक कंप्लीट कर लें। देन है फाइंड द प्रोडक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम इन मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट मैं आपको ये दिखाती हूँ बेटा। जैसे हमने फर्स्ट जो लेफ्ट साइड से हमने शुरू राइट साइड से हमने शुरू करना है, जैसे 1 दे रखा है और ऊपर दे रखा है 16, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले इसके ऊपर करेंगे राइट साइड से 6 1 जा 6, 1 1 जा 1। तो मैंने आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग बताई थी, आपको जीरो को अगर हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको आंसर जीरो ही आता है। तो 2 को हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया, देन जीरो, फिर जीरो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर भी जीरो। जैसे आप करेंगे 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, एंड नेक्स्ट है 3 0 0 1 0 0। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स आर गिवन फिल इन द मिसिंग नंबर, जो हमारा प्रोडक्ट्स दे रखे हैं तो हमने यहाँ मिसिंग वर्ड मैंने हाफ कर दिए हैं और हाफ पेंडिंग है, जो बेटा आप अपने आप करोगे। और उसके बाद आपने इसमें क्वेश्चन 1 जो हमने ऑलरेडी कॉपी में कर लिया था, उसके बाद क्वेश्चन 2 और 3 बेटा आपने अपनी नोटबुक में भी करना है और बुक में करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये आपने अपनी ओनली बुक में करना है, ये आपने क्वेश्चन 4 अपनी नोटबुक में राइट नहीं करना। आई होप आपको मल्टीप्लाई सम समझ आ गए होंगे। तो पहले बेटा आज हमने चैप्टर 7 में से 7.4 एक्सरसाइज को बुक और नोटबुक में कंप्लीट करना है। सो बी रेडी फॉर योर मैथ्स वर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।